बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जी के निर्देश पर हमने फैसला किया है राजस्थान से अन्य राज्यों में भेजे जाने वाले प्रवासी श्रमिकों के किराए का भुगतान रेलवे को राज्य सरकार करेगी। बड़ी खबर आपको बता दें, जिस तरीके से सोनिया गांधी जी ने ट्वीट किया था, खासतौर से जो भी कांग्रेस शासित राज्य हैं उसको लेकर, हालांकि राजनीति भी काफी बड़ी, और उसके बाद यहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि राजस्थान से अन्य राज्यों में भेजे जाने वाले प्रवासी श्रमिकों, चलिए इस वक्त हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता नीरज मेहरा इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नीरज जी, अगर बात करें तो पहले सोनिया गांधी जी ने जिस तरीके से ट्वीट किया, उसके बाद देखा कि राजनीति काफी बढ़ गई थी, सियासत काफी गर्मा गई थी, और उसके बाद अशोक गहलोत ने यहां पर ट्वीट किया है, इसे आप किस तरीके से देखते हैं अगर राजनीति की नजरिए से? बड़ा फैसला है और एक श्रमिकों के हित में माना जाएगा, क्योंकि सोनिया गांधी के ट्वीट के बाद में राजनीति गर्मा गई है। राजनीति गर्माना अलग विषय है, लेकिन श्रमिकों को राहत देना दूसरा विषय है। हमने थोड़ी देर पहले ही इस बात की जानकारी दी थी कि मुख्यमंत्री वीसी ले रहे हैं और वीसी में इस बात पर फैसला हो सकता है। तो आखिरकार जो एवन टीवी ने बताया दो बजे, तो ये बात सत्य साबित हो गई और मुख्यमंत्री ने इस पर निर्णय किया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो भी प्रवासी श्रमिक, तीर्थ यात्री, पर्यटक, स्टूडेंट्स जो राजस्थान में फंस गए हैं, उनको वापस अपने राज्य में जाने पर रेल का जो भाड़ा है वो राजस्थान सरकार वहन करेगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जो दूसरे पड़ोसी प्रदेशों के जो प्रवासी राजस्थानी हैं वो फंसे हुए हैं, वो यदि सड़क मार्ग से जाना चाहते हैं तो बस द्वारा राजस्थान सरकार अपनी सीमा तक उन्हें छोड़ेगी। उसका भी कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, उसका भी कोई किराया नहीं लिया जाएगा। तो एक तरह से दोनों ही बड़ी राहत है, श्रमिकों के लिए भी, स्टूडेंट्स के लिए भी, जो पर्यटक है, जो स्टूडेंट्स है, तमाम जो लोग हैं कि जो लॉकडाउन के कारण राजस्थान के किसी भी जिले में, किसी भी तहसील में या किसी पर्यटक स्थल पर अगर फंस गए हैं तो उनको छोड़ने की जिम्मेदारी राजस्थान सरकार ने ली है, और वो बस का किराया भी वसूल नहीं करेगी। और साथ में यदि कोई ट्रेन से जाता है, दूर दराज के जो प्रदेश है वहाँ यदि ट्रेन से जाएंगे तो उनका किराया भी राजस्थान सरकार वहन करेगी। हालांकि अभी ये एक बात को लेकर ट्वीट आ रहा है कि रेल मंत्रालय ने 85% देने की बात कही है, 15% स्टेट गवर्नमेंट दे, तो यदि यह भी होता तो भी बहुत बड़ी खबर होगी, क्योंकि जो श्रमिक है, क्योंकि वो लंबे समय से बेरोजगार है, काम नहीं है, तो उनके पास पैसों की कमी है। ऐसे में यदि केंद्र सरकार और राजस्थान सरकार दोनों मिलकर भी श्रमिकों का किराया वहन कर लेती है तो श्रमिकों के लिए बड़ी राहत की बात होगी। दूसरी, जो बसों से भेजा जा रहा था उन बसों में भी किराया नहीं लिया जा रहा है, ये भी सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं। तो अब राजस्थान सरकार ने भी साफ कर दिया है कि जो भी श्रमिक राजस्थान से दूसरे प्रदेशों में जाएंगे उनका किराया राजस्थान सरकार वहन करेगी। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका नीरज जी। तो हमारे वरिष्ठ संवाददाता नीरज मेहरा ये हमें ताज़ा अपडेट दे रहे थे किस तरीके से यहाँ पर श्रमिकों और छात्रों को एक तरीके से राहत मिली है सोनिया गांधी की ट्वीट के बाद। यहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट किया है और ये एक बड़ा फैसला उन्होंने लिया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लॉकडाउन 3 की गाइडलाइन को लेकर सीएम गहलोत ने वीसी की है गाइडलाइन को लेकर मुख्यमंत्री ने की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीसी के जरिए लॉकडाउन की नई गाइडलाइन पर हुई चर्चा, इंटर स्टेट मूवमेंट और इंट्रा स्टेट मूवमेंट को लेकर भी चर्चा हुई है। अप्रवासी राजस्थानियों के आवागमन की तैयारियों को लेकर भी समीक्षा हुई। वीसी में मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा, सीएस डीबी गुप्ता, एससीएस होम राजीव स्वरूप, डीजीपी भूपेंद्र सिंह, एससीएस मेडिकल रोहित कुमार सिंह समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। सभी जिलों के कलेक्टर, एसपी, आईजी और सीएमएचओ भी रहे वीसी में मौजूद।